अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करोगे तो हमारे पास ना एक कुंडली बनकर आएगी। सिम में थोड़ा सा शुरुआत से कर फिर आगे बढ़ती है। कोई बात जब आप नहीं, हेस्ट्रो से खोलेंगे उसको जब डालेंगे ना तो हमारे पास एक कुंडली बनकर आएगी इस तरीके की। इस तरीके से कुंडली बनकर आएगी हमारे पास जो मैंने ये बनाई है। उसमें अपनी डेट ऑफ बर्थ डालोगे, अपना टाइम ऑफ बर्थ डालोगे, अपना प्ले आपका प्लेस ऑफ बर्थ डालोगे जहां पर भी आप पैदा हुए, ठीक है ना, वो चीज डालोगे तो एक कुंडली इस तरीके से बनकर आएगी। जब कुंडली बनकर आएगी तो उसमें कुछ नंबर भी लिखे हुए होंगे, हाँ आपका 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब जो ये कुंडली बनकर आई है ना, इस कुंडली की चाल कैसे बेटा, इस कुंडली की चाल ना एंटी क्लॉकवाइज है। ये हमारी क्लॉकवाइज ही चलेगी, ये कुंडली हम लोगों की एंटी क्लॉकवाइज चलती है। देखो उल्टे इसमें लिखा हुआ है हम लोगों का, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ही हम लोगों की कुंडली चलती है। अब कोई सा भी लगन बनकर हम लोगों का आ सकता है, 1 से 12 यहाँ पर कोई भी नंबर लिखा हो सकता है। हो सकता है भाई भाई की बनाओ, मम्मी की बनाओ या दोस्तों की बनाओ, तो भाई उस समय तो दूसरी कुंडली थी। 12 1 2 तरीके की भी चीजें बनी आ सकती हैं, ठीक है ना, ये चीजें मेरी बनी हुई आ सकती हैं। अब उसमें फिर हम लोगों को क्या, कुंडली यही रहने वाली है हम लोगों की, लेकिन ये बोलते हैं हम लोग राशि जो इनके अंदर बैठी है ना, ये राशियां बैठी हैं, 2 नंबर की राशि, 3 नंबर की राशि, 4 5 6, ये राशि है जो अंदर नंबरिंग लिखी हुई है वो राशि है। लेकिन हर वक्त हम लोगों की खानों की राशियां चेंज होती रहेंगी। हो सकता है भाई दोनों बच्चों की एक सी भी हो, और हो सकता है किसी की आपकी अलग हो, मम्मा की अलग हो, पापा की अलग हो, इस तरीके से अलग भी हो सकती है। लेकिन एक चीज हमेशा सेम रहेगी, वो क्या चीज है, ये हमेशा फर्स्ट हाउस रहेगा, चाहे यहाँ 1 से 12 जो मर्जी नंबर लिखा हुआ, ठीक है ना। ये हमेशा सेकेंड हाउस रहेगा चाहे कोई भी नंबर लिखा है, ये हमेशा थर्ड रहेगा, ये फोर्थ, फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस, सेवन्थ हाउस, एट्थ हाउस, नाइन्थ, टेंथ, इलेवन, ट्वेल्थ। हाउस में गड़बड़ नहीं होगी, साइन जरूर बदल सकते हैं हम लोगों के, लेकिन हाउस कभी नहीं बदलते, राशियां बदलती हैं, हाउस कभी भी नहीं बदलते, ठीक है। इतने में कोई दिक्कत बेटा तो बोलो, इसमें हरलीन कोई दिक्कत तो बोलो, सिमी मैम आपका तो होगा क्लियर क्या, हाँ इतना तो क्लियर हुआ ना। मतलब जी, कोई भी हम लोगों की चार्ट बना हुआ आ जाए एस्ट्रोसेज में तो कंफ्यूज नहीं है ना कौन सी राशि आ गई, कोई भी राशि आ सकती है लेकिन हाउस कभी भी नहीं बदलेंगे, ठीक है। अब इसी तरीके से जब ये हाउस हम लोगों के पास पे ये चीजें आई ना, तो इनके घरों के कोई काम भी है, फर्स्ट हाउस का क्या काम है, सेकंड हाउस का क्या काम है, फोर्थ थर्ड हाउस का क्या काम है, तो ये मैंने रिकॉर्डिंग में ना आपको भेजा था, अगर आपने लिखा, ठीक है, तो वो अब मैंने सारा भेजा था। फर्स्ट हाउस मेरा हेल्थ है, मेरा एट्रीब्यूट है, मेरा आपका व्यवहार है, ठीक है, ये हो गया मेरा फर्स्ट हाउस। अब हम लोगों के पास जो राशि है ना, राशि के हिसाब से उनके लोड होते हैं, जैसे 1 नंबर की राशि, 8 नंबर की राशि, इन दोनों का लोड है मेरा मार्स, आपका मंगल, मंगल हो जाएगा इन दोनों का लोड मेरा। इसी तरीके से 2 2 और 7, कौन सी, ये राशियों की बात कर रही हूं मैं अभी ना आपके आगे, राशि, ये इन राशियों के लोड है जो मैं बता रही हूँ, जो भी हाउस बताया हाउस की नहीं, राशि किसी भी। अब मेरा कौन सा नंबर का लगन है, मान लिया मेरा 7 नंबर का लगन है, टू और सेवन का लोड है मेरा वीनस, ठीक है, 3 और 6 का लोड है मेरा मरकरी, 10 एंड 11 का लोड है मेरा सैटर्न, 4 राशि का लोड है मेरा मून, 5 राशि का लोड है मेरा सन, 9 और 12 नंबर की राशि का लोड है मेरा जुपिटर, आ गए 3 2 3 4 5 6 सारे आ गए। अब ये चार्ट बना हुआ है आपके आगे, अब मुझे ये बताओ 10th हाउस कौन सा है, पहले तो ये क्लियर करो, 10th हाउस में क्या नंबर लिखा है जो मैंने ये राशि बनाई है, ये बनाया है बेटा इसमें देखकर, 4 नंबर लिखा हुआ है 10th हाउस में मेरा, फोर्थ का रूलर कौन, 10th हाउस का रूलर कौन है, मून, मून हो गया। अब ये आपका
फर्स्ट हाउस का और एट्थ हाउस का रूलर कौन? एट्थ हाउस का एट्थ हाउस ये वाला है ना मेरा, वीनस। वीनस। टू और सेवन का हो गया, ठीक है। फोर्थ और फिफ्थ का रूलर आपका रूलर कौन? सैटर्न सैटर्न। सैटर्न हो गया हमारा। आपका नाइन्थ और ट्वेल्थ का रूलर कौन? मरकरी। जुपिटर। मरकरी नाइन्थ हाउस में 3 नंबर है, 12th हाउस में 6 नंबर है, मरकरी हो गया रूलर हमारा। मरकरी हो गया हमारा रूलर, ठीक है। एक और लगन बनाती हूँ, क्या लग रहा है बेटा? अगर अपनी कुंडली डाली है तो क्या नंबर का लगन निकल कर आया? हाँ अभी बाबा, वो डेट ऑफ बर्थ डाला नहीं, डाली नहीं है अभी। अभी उसका आया ही नहीं डेट ऑफ बर्थ डालने का। कुंडली। अच्छा अच्छा हाँ एक अगर आ गया तो क्या डेट ऑफ बर्थ आया, और उसकी कुंडली दे दो मुझे, क्या आई? हाँ आई कोई? हाँ जी मैम। हाँ जी, कौन सी आई? क्या फाइव नंबर का लगन बनकर आया बेटा? फाइव फाइव नंबर। ये लगन बनकर आया। आपके फर्स्ट हाउस का रूलर कौन है? फर्स्ट हाउस में क्या नंबर की राशि बैठी है? 5 नंबर की। 5 नंबर की राशि का रूलर कौन है हमारा? सन। सेकंड हाउस को कौन रूल कर रहा है मेरे? मर्करी, मरकरी। थर्ड हाउस को कौन रूल कर रहा है मेरे? वीनस, फोर्थ हाउस को कौन रूल कर रहा है मेरे? फिफ्थ मार्स, हाउस को कौन रूल कर रहा है मेरे? जुपिटर, सैटर्न, सिक्स्थ हाउस को कौन रूल कर रहा है मेरे? सेवंथ को कौन रूल कर रहा है मेरे? सैटर्न, एट्थ को कौन रूल कर रहा है? जुपिटर, 9th को कौन रूल कर रहा है? मार्स, 10th को? वीनस, 11th को? मर्करी, मून। आ गया, मतलब क्लियर हो गई इतनी सी बात, ठीक है ना। ये चीज हम लोगों को समझ में आई कि कौन सी राशि को हमारा ये रूल कर रहा है, ये चीज समझ में, मतलब ये इसके रूलर है, इन प्लैनेटों को पकड़ कर चलना है हम लोगों को, ठीक है। अब हाउस तो आपने लिखे ही हुए हैं, जो उससे रिकॉर्डिंग से लिख लिए थे हम लोगों के पास। अब इसी तरीके से हम लोग जो बात करेंगे, प्लैनेटों की एस्पेक्ट आती है, एस्पेक्ट मीन्स उसकी दृष्टियां। तो सारे जो प्लैनेट है ना, उनकी जो एस्पेक्ट रहेगी ना, वो एस्पेक्ट रहेगी सेवन, मतलब अपने से सेवंथ में देखेंगे, सेवंथ हाउस में। एग्जाम्पल, यहां पर कोई प्लैनेट बैठा है तो सातवीं दृष्टि कहाँ गई? यहाँ पर। यहां कोई प्लैनेट बैठा है, सातवीं दृष्टि कहाँ गई? यहाँ पर। यहां कोई प्लैनेट बैठा है, सातवीं। गिनना किस तरीके से है? एक, जहां से शुरू हो रहा है, जहां कोई प्लेनेट बैठा है, गिनना भी वहीं से है। जैसे ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 कहां पर आ गई? फर्स्ट हाउस पर आ गई। अब फोर्थ हाउस में एग्जांपल मेरा मंगल बैठा है, मंगल अपनी सातवीं दृष्टि कहां पर देगा? 1 2 3 4 5 6 7 10th हाउस पर दे रहे, 10,000। 10th हाउस पर दे रहा हूं, ठीक है। अब प्लेनेट की दृष्टि एक बार लिखवा देती हूँ, बुध की, यही अपनी कुंडली खोले रखना, मरकरी की 7th एस्पेक्ट होती है, वीनस की 7th एस्पेक्ट होती है, सन की 7th एस्पेक्ट होती है, मून की 7th एस्पेक्ट होती है, सैटर्न की 3 एस्पेक्ट होती है। कौन कौन सी? 3 7 10। अपने से तीसरे, अपने से सातवें, अपने से दसवें देख सकता है हमारा मार्स। मार्स की भी 3 एस्पेक्ट होती है हम लोगों की, 4 7 8। 7 सबकी, बस इनके पास कुछ स्पेशल एस्पेक्ट है।
नेक्स्ट जुपिटर, 5, 7, 9, 7 कॉमन है, बस ये 3 प्लेनेट ऐसे हैं जिनके पास हमारी ये दो दो एस्पेक्ट है। ठीक है ना, ये दो दो चीजें हैं हमारे। अब मुझे आपने बोला कि 5 नंबर का लगन है, 5 नंबर का लगन, 5 नंबर का लगन बना रही हूं। टेनेट लिखवा दो बेटा। प्लेनेट लिखवा दो प्लैनेट कैसे लिखेंगे? जहां पर ये 5 नंबर लिखा है, फर्स्ट हाउस में क्या कोई बैठा है? वीनस से वीनस वी ई बैठा लिखा और आर ए है, लिखा वीनस हो हुआ गया। वीनस और क्या लिखा हुआ है? आर ए राहु। ठीक है, आ रहे हाँ मतलब राहु, राहु बैठ गया। ठीक है, सिक्स में मार्स मार्स, एम ए लिखा हुआ है ना। जी ठीक है, और और 9th में मून 9th राशि में, इसमें ना 5th हाउस में। हाँ ठीक है, नहीं, एट एट में PI लिखा हुआ है, 11th प्लूटो वो हम नहीं लेते। 11th में केतु, में केतु, सैटर्न, 12th में SA लिखा हुआ है, 10th में लिखा हुआ है जुपिटर, NE और UR भी लिखा हुआ है, वो हो गया नेपच्यून, यूरेनस, इनको हम यूज नहीं करते हैं। और फोर्थ वाले में लिखा हुआ है सन और मरकरी, SU और ME लिखा हुआ बिल्कुल ठीक है, सन मरकरी लिखा है, जो यू लिखा हुआ है हमारा प्लूटो, आपका यू आर और आपका नेपच्यून, इसे हम लोग लेते नहीं है, ये प्लेनेट नहीं है, इनको नहीं लेना। अभी जो आपने बोला 9 में लिखा हुआ है, 10 में लिखा हुआ है, अब इसको बोलने का तरीका हमारा किस तरीके से था? फर्स्ट हाउस में मेरा वीनस राहु लिखा है, सेकंड फर्स्ट हाउस हाँ हाउस में मेरा मार्स लिखा है, फिफ्थ हाउस में मेरा मून लिखा है, 5th हाउस है ना ये, 6th हाउस में मेरा जुपिटर लिखा है, 7th हाउस में मेरा केतु लिखा हुआ है, 8th हाउस में मेरा सैटर्न लिखा हुआ है, 12th हाउस में मेरा सन मरकरी लिखा हुआ है। ठीक ठीक है, ये चीज अभी हम लोग लेंगे कि ये चीजें हमारी लिखी हुई है। अब मुझे ये बताओ, वीनस कहाँ पर एस्पेक्ट दे रहा है अपनी? 7th, 7 7 एस्पेक्ट वीनस कहाँ पर दे रहा है अपनी, किस हाउस पर दे रहा है? 7th पे ही दे दो 7th हाउस पर दे रहा है। कृपा, मंगल कहाँ कहाँ पर, मंगल के एस्पेक्ट को, मार्स की एस्पेक्ट कौन कौन सी होती है? 4, 7 और 8 4, 7, 8, मार्स के एस्पेक्ट कौन कौन से हाउस पर है ये बता, बताओ। 5th हाउस पर 1, 2, 3, 4, 5th हाउस पर हो गई हमारी। नेक्स्ट, 7th हाउस एट्थ, पर 8th और 9th 8th हाउस पर, ठीक है पर बिल्कुल, और 9th, नाइन सैटर्न की एस्पेक्ट कहाँ कहाँ पर है इस चार्ट में मेरी? सैटर्न कहाँ बैठा है? सबसे पहले तो ये बैठा, सैटर्न की एस्पेक्ट होती है 3, 7, 10, सैटर्न की एस्पेक्ट कहाँ कहाँ पर है? ठीक थाउस है, तीसरी एस्पेक्ट आ गई मेरी 10th हाउस में, 7th, और 7th एस्पेक्ट कहाँ पर है? सेकेंड बिल्कुल ठीक, और 10th, 5th, फिफ्थ 5th, बहुत बढ़िया। जुपिटर की एस्पेक्ट होती है 5, 7, 9, उसका है 10th जुपिटर कहाँ बैठा है ये रहा, 5th एस्पेक्ट कहाँ पर है? बहुत बढ़िया, शाबाश। आगे 7th, 7th 10th 12th का बिल्कुल ठीक, नेक्स्ट 9th, सेकंड, सेकेंड क्लियर हो गई ना एस्पेक्ट भी? ठीक है, ये एस्पेक्ट हम लोगों ने देखी, मतलब अभी तक तो कोई डिफिकल्टी नहीं है बेटा, हो जाएगी, चीजें चल रही है अभी। ठीक है, चल अब चलते हैं मैलिफिक और बेनिफिक, मैलिफिक और बेनिफिक, रिकॉर्डिंग आ गई है, एक बार फिर भी बोलती हूँ दोबारा से। मैलिफिक प्लैनेट कौन कौन से होते हैं मेरे, आपके? वो जुपिटर वीनस मून बेनिफिक है, बेनिक है वो बेनिफिक है। मैलिफिक प्लैनेट कौन कौन से है मेरा? मंगल, सैटर्न मार्स शनि, मार्स राहु केतु राहु, केतु। केतु बहुत बढ़िया। बेनिफिक प्लैनेट कौन कौन से है मेरे? जुपिटर जुपिटर, वीनस मून जुपिटर, वीनस,
मून, मून। तीन मेरे बेनिफिक प्लेनेट हो गए हैं, क्योंकि हम लोगों के पास कितने प्लेनेट है यहाँ पर, नाइन प्लेनेट है, नाइन प्लेनेट है। आगे अगर बात करूं, सन माइल्ड मेलेफिक है, इनके जितना खतरनाक नहीं है। मरकरी यदि इनके साथ बैठ गया तो मेलेफिक, यदि इनके साथ बैठ गया तो बेनिफिक। ये चीज हम लोगों ने करी, पीछे जो रिकॉर्डिंग आई ये भी हम लोगों ने करा उसके अंदर। अब हम लोगों को क्या हिसाब हम लोगों ने लिखा था, हमने बोला ये लोग मेलेफिक है, ये लोग मेलेफिक है, लेकिन यही मंगल अपनी राशियों को देखेगा एस्पेक्ट के जरिए। तो मंगल की राशि कौन कौन सी, एक और आठ, जिस भी हाउस में लिखी होगी और मंगल ने देख लिया तो बैठा हुआ तो बेशक मेलेफिक हो सकता है, तीन मार्स की सेवंथ एस्पेक्ट कहां पर जा रही है, 11th हाउस पे इलेवेंथ हाउस पर जा रही है सेवंथ एस्पेक्ट हमारी, ठीक जी मैम। हाँ जी, है। ये बताओ मेलेफिक है या बेनिफिक, बेनिफिट है, भावना क्लियर मैम हुआ बेटा, बेनिफिक है या मेलेफिक। नहीं, मंगल की राशि कौन कौन सी मेरी, बिल्कुल ठीक बात। मंगल सेवंथ हाउस, सेवंथ एस्पेक्ट से किसको देखा, इलेवंथ हाउस को, क्या राशि पड़ी है, वन नंबर की। तो वन दृष्टि कैसी हो गई, अच्छी दृष्टि, अच्छी हो गई। शनि मेरा मैलेफिक है यहाँ पर, सैटर्न मेरा यहाँ बैठा हुआ है, सैटर्न मेरा यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है। सैटर्न की जो राशि होती है वो होती है 10 और 11, 10 और 11, ठीक है। अब शनि की तीसरी दृष्टि कौन से हाउस पर जा रही है, एट हाउस एट पर, एट 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 हाउस पर। थर्ड दृष्टि एट हाउस, अच्छा किया शनि ने या खराब किया, अच्छा अच्छा किया, क्यों, अपने घर में देख रहा है, अपने घर में देख रहा है इस वजह से। एक तो ये रूल हुआ। अब यदि मैं जब भी लगन, लगन मीन्स फर्स्ट हाउस में वन या एट लिखा हुआ आएगा तो मंगल मेरे चार्ट में कहीं पर भी बैठ जाए खराब नहीं माना जाएगा। एक और आठ नंबर जब भी लगन या मीन हमेशा फर्स्ट हाउस की बात कर रही हूं मैं, जब भी फर्स्ट हाउस में आएगा तो ये खराब नहीं माना जाएगा, कहीं पर भी बैठ जाए तो अच्छा माना जाएगा। आठ नंबर के लगन में केतु कहीं पर भी बैठ जाए खराब नहीं माना जाएगा। सेम आठ नंबर की राशि में भी केतु बैठ जाए खराब नहीं माना जाएगा, ठीक है, बिल्कुल खराब नहीं माना जाएगा। सेम इसी तरीके से 10 और 11 नंबर की राशि यदि लगन में आ गई है, शनि पूरे चार्ट में कहीं पर भी बैठ जाए खराब नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। 11 नंबर की राशि कहीं पर भी बैठ जाए, ये आपका सॉरी, 11 नंबर की राशि कहीं पर भी बैठ जाए राहु उसके अंदर खराब नहीं माना जाएगा। 11 नंबर का साइन है राहु, खराब नहीं माना जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं चार्ट्स पर, थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। हाउस आप लोगों के पास है, प्रोफेशन में क्या इसको दिक्कत आएगी, नहीं। ठीक है। भावना देखना बेटा, क्या का प्रोफेशन, 10वां घर मैं लिखती चलूंगी, क्या प्रोफेशन में दिक्कत आएगी, भावना देखना एक बार बेटा, प्रोफेशन में दिक्कत आएगी बेटा इसको, प्रोफे जहां पर मैंने मंगल बिठाया है उस घर में दिक्कत रहेगी इसको, नहीं होगा, वो 10th घर में हाँ दिक्कत होगी या नहीं, हाँ या ना, नहीं होगा।
क्यों नहीं होगी ये भी क्लियर कर कर दो, क्योंकि अपनी राशि में अपनी बैठा है, अपनी राशि में बैठा है। क्या इनकम गेन में, इच्छा पूर्ति में इसे दिक्कत होगी? मंगल की राशि है 1 8, शनि की राशि है 10 11। नहीं होगी, नहीं होगी। किसकी वजह से होगी और किसकी वजह से नहीं हो, नहीं होगी किसकी वजह से? दोनों की वजह से, दोनों की यस, वजह से। दोनों की वजह से, क्योंकि ठीक है, कृपा क्यों नहीं होगी? सैटर्न का वो असेंडेंट, नहीं, सैटर्न अपने राशि में बैठा है और और उसका मंगल असेंडेंट मार्स है, उसकी वो दृष्टि जो है वो सही है, मार्स की इन दोनों दृष्टि, के मैंने तो सिर्फ हिसाब 11th हाउस का क्वेश्चन किया। मार्स का लगन है, एक नंबर लगन है, अपने घर में, अपने घर का लोड अपने घर को कभी खराब नहीं करता। ठीक है, से दोनों अपनी एनिमिटी छोड़ देंगे फिर। छोड़ देंगे। छो वो आपसी अलग बात हो गई है। 11वां घर अच्छा हो गया किरण, एसी में भी इधर ग्यारहवां हाँ, वैसे बेसिकली घर अच्छा हो दोनों गया एनिमल, हाँ, ना, लेकिन कहाँ बुरे पर अच्छे हैं कहाँ पर बुरे हैं, ये चीजें घर आप समझ से, आएंगी। ठीक हाँ, अब आई समझ है, से। चलिए अब जो मैं क्वेश्चन पूछ रही हूं उस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना। क्या इस व्यक्ति के अपने हस्बैंड के साथ, स्पाउस के साथ कैसे संबंध रहेंगे? अच्छे, स्पाउस के साथ कैसा रहेगा? हाँ जी सिमी मैम, बच्चे बोलेंगे, बोलो कैसे रहेंगे? सबसे पहले क्या मंगल का कोई एस्पेक्ट आ रहा है चौथे घर, चौथा सातवां आठवां? व्यक्ति के स्पाउस के साथ कैसे रिलेशन रहेंगे, अच्छे या बुरे? मंगल की दृष्टि आ रही है, क्योंकि अब जो मंगल की दृष्टि है वो अच्छी है या बुरी है? अच्छी है या बुरी है, बोलो बोलो, दोनों लोग चुप मत रहो। अच्छी है क्योंकि अच्छी है मामला। ओ क्योंकि वो अपनी राशि में दृष्टि दे रहा है। ठीक है, प्रोफेशन के मामले में शनि की दृष्टि अच्छी है या खराब है? अच्छी है, प्रोफेशन के मामले में शनि की दृष्टि अच्छी है या खराब है? शनि की दृष्टि होती है तीसरी, सातवीं, दसवीं। शनि तीसरी दृष्टि से 1 2 3 किसको देख रहा है? 11th टेंथ हाउस, हाउस। तीसरी दृष्टि से 10वें घर को देख रहा है जिसके अंदर उसकी खुद की राशि है। चलिए, क्या ये व्यक्ति प्रॉपर्टी बना लेगा? क्या ये व्यक्ति प्रॉपर्टी बना लेगा? प्रॉपर्टी का घर बेटा चौथा, ठीक है, नहीं। 4th हाउस है हमारा प्रॉपर्टी का। क्या ये व्यक्ति प्रॉपर्टी बना लेगा? सिर्फ हाँ या ना में उत्तर दे दो मुझे। बना जी मैम, बना लेगा? तीनों लोग बता दो क्यों, तीनों ने हाँ बोली। क्योंकि राहु क्योंकि राहु अपनी 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 राशि में है। राशि।
हेल्थ बताओ सामने वाले की कैसी रहेगी और वेल्थ बताओ सामने वाले की कैसी रहेगी। हेल्थ फर्स्ट हाउस, वेल्थ सेकंड हाउस। मुझे ये बताओ हेल्थ कैसी रहेगी और वेल्थ कैसी रहेगी। सिर्फ आप लोगों को अभी मैलिफिक और बेनिफिक सिखाया गया। हेल्थ तो अच्छी रहेगी, वेल्थ तो हाँ अच्छी, वेल्थ तो अच्छी है इसकी। तो हेल्थ अच्छी सेकंड रहेगी। बोलो 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 हरले कैसे कैसी रहेगी। हेल्थ तो खराब रहेगी। हेल्थ में क्योंकि मार्स आ रहा है, एक घर अच्छा मिला, एक घर उसको नेगेटिव मिला। सीधा बताओ किससे क्या खराब हो रहा है। हेल्थ किसकी वजह से खराब हो रही है, वेल्थ किसकी वजह से खराब या अच्छी हो रही वेल्थ तो अपनी राशि में बैठ गया सैटर्न, तो उसने अच्छा कर है। वेल्थ अच्छी हो दिया। गई। हेल्थ भाई मैलिफिक प्लेनेट आकर बैठ गया। मैलिफिक प्लेनेट आकर बैठ गया। अब सीधी बात है, अपनी राशि भी नहीं है उसकी, अपना लग्न भी नहीं है उसका, तो ये खराब हो गया हम लोगों का। ठीक है ये चीज नेक्स्ट आ जाइए। तो फिर हमें राशि देखने की जरूरत नहीं, हम देखेंगे मैलिफिक अभी बैठ गया देखेंगे, अभी अभी देखेंगे। है ना। मैं मतलब एक पहला स्टेप लिया है मैंने, जड़ जड़ हाँ क्लियर कर रही हूँ। अभी राशि लोड को भी देखेंगे देखेंगे वही अभी। ठीक है। सैटर्न मार्स हम लोगों के यहाँ बैठ गए हैं। अब मैं पूछती हूँ, ये व्यक्ति प्रॉपर्टी लेना चाहता है, गाड़ी लेना चाहता है, क्या ले पाएगा प्रॉपर्टी और गाड़ी ले, क्योंकि चौथे घर में बैठा हुआ है, क्या ये व्यक्ति प्रॉपर्टी या व्हीकल ले पाएगा। बोलो भावना, भावना देख बोलो बेटा, ध्यान से प्रिडिक्शन, बहुत ध्यान से, जड़ पकड़ रहे हैं अभी हम, जड़ पकड़ में आ गई ना, क्योंकि बेस क्लियर हो गया फिर तो चीजें अच्छी हो जाएंगी जिम्मे में हमारी। बेस बोलो बेटा, यहाँ प्रॉपर्टी ले लेगा। मैं वैसे तो दोनों चीजें ले लेगा वो तो। बच्चों को बोल, एक मिनट बच्चे बोल दे, एक बार हाँ जी ले लेगा। ले लेगा हरलिन। भावना बताओ बेटा, मैं जाने नहीं दूंगी, छोड़ूंगी नहीं। ले राशि लेगा देख या नहीं। एस्पेक्ट देखना नहीं मैंने बोला क्या ये प्रॉपर्टी या गाड़ी ले लेगा, कुछ भी नहीं देखना, जहां एस्पेक्ट देखना होगा ना मैं बताऊंगी। मैंने बोला अभी सिर्फ बैठे प्लेनेट को देखो, क्या ये प्रॉपर्टी और गाड़ी ले लेगा। वैसे तो ये फोर्थ हाउस का ही है, फोर्थ हाउस में। बस फोर्थ हाउस में प्लेनेट बैठ गया, मैं फोर्थ हाँ हाउस का ही मैंने क्वेश्चन किया और फोर्थ हाउस का ही प्लेनेट बैठ गया मेरा, क्या जी ये प्रॉपर्टी और गाड़ी ले लेगा। हाँ, वो उसकी राशि में आ गया तो ले कौन आ गया उसकी राशि में, मंगल। लेकिन मंगल। शनि दिक्कत तो नहीं करेगा कहीं। वो कैसे देखेंगे। ये देखो शनि मेरा मैलिफिक है, हाँ मैलिफिक है, हमने बोला दिक्कत करेगा, लेकिन मैंने एक स्टेप लिखवाया, यदि 10 या 11 नंबर का लगन है, इसका लोड है शनि, इसका जी लोड है शनि, तो ये दिक्कत नहीं देगा, ये दिक्कत नहीं देगा। ठीक है हो जाएगा धीरे 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 धीरे, मैं करवाती चल रही हूँ, चीजें हो जाएंगी। नेक्स्ट, अब मैं हाउस की ही बात करूंगी। क्या जॉब में, जॉब में, जॉब छठा घर, केतु बैठा हुआ है मेरा, मैलिफिक प्लेनेट बैठा हुआ है, क्या जॉब में इसे दिक्कत तो नहीं आएगी। नहीं तो ठीक, जवाब एकदम सटीक है, क्यों नहीं आएगी, बस मुझे क्लियर कर दो। केतु अपनी राशि में बैठा हुआ है। तो अपनी राशि में बैठा हुआ है, बहुत बढ़िया। मैं इस तरीके से ही पूछती हूँ, बाद में दृष्टियों पर आती हूँ। वेल्थ कैसी रहेगी, पहले मंगल के विद रिस्पेक्ट बोलो। वेल्थ अच्छी रहेगी, सेकंड हाउस है मेरा, मंगल बैठा हुआ है,
अच्छी अच्छी रहेगी, होगी, अच्छी होगी। शनि की दृष्टि तीसरी, सातवीं, दसवीं, सिर्फ तीसरी दृष्टि देखो, शनि की तीसरी दृष्टि कैसी है यहाँ पर? नहीं, नीच की, अच्छी नहीं है ये बोलो, उसकी अपनी नीच राशि की थोड़ी ना, ना, अच्छी नहीं है बिल्कुल ये बोलो। ठीक है, नहीं। यहाँ पर क्या बात हो गई मेरी, 50-50, 50-50 50-50 की बात हो गई एकदम मेरी। ये व्यक्ति मेरे पास आया है, क्या मैं फौरन चला जाऊंगा? जी। सैटर्न, राहु। ये व्यक्ति आया है, मुझे राहु लिखा है, मैंने चला सैटर्न लिखा है, 12th हाउस में, 12th हाउस जाऊंगा, मेरा फौरन है, 12th हाउस मेरा फौरन है, क्या मैं फौरन चल, ये व्यक्ति फौरन चला जाएगा? जी राहु और शनि लिखा है मैंने 12वें घर में, 11 नंबर की राशि है 12वें घर में, क्या ये व्यक्ति फौरन चला जाएगा? जी आया हाँ है वो, चला चला जाएगा, चला जाएगा, जाएगा जी, चला जाएगा। शनि अपनी स्ट्रॉन्ग राशि में है, राहु भी अपनी राशि में, स्ट्रांग स्ट्रॉन्ग कर दिया ना घर को। कर दिया घर को, सिमम ठीक है ना। देखो बेस, इस तरीके से हमारे बेस बनेंगे ना तो बच्चे थोड़ा सा आगे चल जाएंगे। ये चीज ये व्यक्ति बताओ, इस व्यक्ति का प्रॉपर्टी बना लेगा, और इसका प्रोफेशन, जी 10वां घर और चौथा घर कैसा है इस व्यक्ति का? 10वां और चौथा, फोर्थ में बैठा है, 10वें को देख रहा है, ये बताओ कैसा है चौथा और 10वां घर कैसा है? नहीं अच्छा, अच्छा है, मून बिठाया है, मून, मून तो आपका बेनिफिट बेनिफिक है। है, मून तो बेनिफिक है ना आपका, जी, हाँ जी, जड़ कैसी हो रही है, जड़, जड़ कैसी हो गई, जड़ तो जड़ बढ़िया फिर। बढ़िया, अभी हम इतना ही जान रहे हैं, जड़ तो बहुत बढ़िया है, जड़ कैसी हो गई, किसके विद रिस्पेक्ट? मून बैठा है, मून मेरा बेनिफिक प्लेनेट है, बेनिफिक प्लेनेट है मून मेरा, 4th हाउस अच्छा हो गया। मून की एस्पेक्ट कौन सी, 7th, कहाँ पड़ रही है, 10th हाउस पर, तो इसको भी अच्छा कर दिया। ठीक है, 9th हाउस कैसा है व्यक्ति का, बेनिफिट, अब मैं बेनिफिट बिठा रही हूं, अभी तो बेनिफिट से थोड़ा सा प्रिडिक्शन करी, बोलिए कैसा है मेरा, बहुत बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया हो गया 9th हाउस, क्यों, वीनस बैठ गया जो बेनिफिट है, वीनस की एक ही एस्पेक्ट होती है 7th, तो तीसरा घर भी इसने अच्छा कर दिया, 3rd हाउस भी हम लोगों का अच्छा कर दिया इसने, फंसाएंगे हमें बेनिफिक, बेनिफिक में तो आपने आग बंद कर कर बोल देना भाई, चीज अच्छी है, सीधी बात। ठीक कोई चार्ट बोलो मैम, अब आप लोग कोई चार्ट बोलो, सिमी मैम बोलो कोई चार्ट, यस मैम, 6 नंबर। हाँ जी, 5th हाउस में केतु। 5th हाउस में केतु, ठीक है, अभी पहले 5th हाउस का केतु पकड़ लेते हैं, 5th हाउस का केतु पकड़ लेते हैं हम लोग, यहाँ पर हमारा राहु, अब मेरे को इतना जानना है, क्या सामने वाले इस जिसका भी ये चार्ट मेरे पास आया है, एंटरटेनमेंट में बच्चों से किसी प्रकार की दिक्कत आएगी? अभी सिर्फ बेनिफिक बेनिफिक देख रहे हैं, अभी कुछ और प्रिडिक्शन में नहीं गए, क्या 5th हाउस से रिलेटेड चीजों में इसे दिक्कत आएगी? यस आएगी, मैम, आई आएगी, आई, ठीक है, क्या इनकम गेन से रिलेटेड इन्हें दिक्कत आएगी? अभी से दिक्कत आएगी, 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 क्यों, राहु बैठा हुआ है हमारा, ये जी आएगी दिक्कत। मैम एक बार मंगल लिखवाइए, 9th हाउस में। मंगल मेरा 9th हाउस में, 9th हाउस रिलेटेड दिक्कतें आएंगी व्यक्ति को, 9th हाउस में मंगल बैठा है, क्या आएगी आएगी आएगी? आएगी, आएगी, लेकिन क्या इस व्यक्ति को करेज, करेज मेरा 3rd हाउस, लेकिन ये व्यक्ति करेज बहुत कर लेगा, मेहनत बहुत कर ले, करेज कौन सा मेरा 3rd हाउस, 3rd हाउस मार्स में मंगल की एस्पेक्ट जा रही है की जो कि अच्छी है,
जो कि अच्छी है। नाइन्थ हाउस खराब कर दिया मंगल ने, जड़ खराब कर दी, लेकिन थर्ड हाउस को अच्छा कर दिया, हिम्मत ही बना दिया बंदे को, मेहनत वाला बना दिया बंदे को यहाँ पर। ठीक है, अब इसी मंगल के एस्पेक्ट ने क्या मेरा 12वां घर भी खराब कर दिया, इन्वेस्टमेंट भी 11, इन्वेस्टमेंट मंगल का फोर्थ एस्पेक्ट कहाँ पर जा रहा है, 12th हाउस पे 12th हाउस चल। में जा रहा है फोर्थ एस्पेक्ट, 7th एस्पेक्ट यहाँ पर जा रहा है, 8th एस्पेक्ट यहाँ पर जा रहा है, बिल्कुल ठीक बात। ये जी बताओ इसके एस्पेक्ट से कौन सा घर अच्छा हुआ, सिर्फ थर्ड हाउस अच्छा हुआ। थर्ड हाउस क्यों अच्छा हो गया, क्योंकि अपनी राशि को देख रहा है, देख रहा हूँ। इसलिए थर्ड हाउस अच्छा हो गया। 12th हाउस खराब हो गया भाई दृष्टि की वजह से, फोर्थ हाउस खराब हो गया दृष्टि की वजह से, ठीक है ना, इसकी वजह एट्थ से। में जुपिटर है, उसकी भी एट्थ में दृष्टि। जुपिटर ना बेनिफिट प्लेनेट है, अब जुपिटर दे, अब मैं जुपिटर लगा रही हूँ, इन्होंने बोला एट्थ में मेरा जुपिटर है, ये लीजिए इनको हटा देती हूँ ताकि बच्चे वो नहीं फंसेंगे नहीं। अब जुपिटर कौन सा प्लेनेट है, जुपिटर जहां बैठेगा जहां देखेगा उन घरों को क्या करेगा, बेनिफिट प्लेनेट अच्छा कर देगा। तो जुपिटर की 1 2 3 4 5 अच्छा सेकंड कर दिया, जी अच्छा कर दिया, ठीक जी है। दूसरा घर सही, अच्छा कर दिया, अच्छा क्योंकि करते ये हैं। तो शुभ ग्रह है हम लोगों का, नाइन्थ कहाँ पर हुआ हम लोगों का, फोर्थ फोर्थ, हाउस, अच्छा कर दिया, अच्छा कर दिया। अच्छा कर दिया। जुपिटर ने इन इन चीजों को सेव कर दिया, अच्छा कर दिया ना, क्योंकि जुपिटर कौन है, मेरा बेनिफिक प्लेनेट है। अब एक चीज, अब थोड़ी सी एक बात पर आ रही हूं, अभी यहां थोड़ी देर पहले मेरा मंगल बैठा था, जी ये मंगल मेरे 12वें घर को खराब कर रहा था, दृष्टि मैम, से 1 2 3 4 खराब कर जुपिटर रहा था, लेकिन संभाल किसने दिया, यही मंगल 8वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 8 खराब कर रहा था चौथे घर को, जी। लेकिन इसी जुपिटर ने संभाल दिया चौथे घर, इसी जुपिटर ने संभाल दिया मेरे चौथे घर को, ठीक है ना। सिमी में आ रही है ना प्रेडिक्शन, अगर अपने घर का चार्ट है तो पकड़ने की जा रही होंगी हम लोग, ठीक है ना। इस तरीके से मतलब मेरी चीजें संभल गई बेटा, जहां दिक्कत आ रही है प्लीज यहाँ पर क्लियर करो पहले, फिर नेक्स्ट बार चलते हैं। मैं खाली अभी बेनिफिट मेनिफिक ले रही हूँ जी बच्चों को मैम, समझाने जी के लिए ना। जी जी बोलो बेटा यहाँ कोई दिक्कत, अब वो उसकी जो मैलेफिक हो गया, वो खत्म हो जाएगा या कम हो जाएगा या बैलेंस हो जाएगा? अब हम क्या देखेंगे, जहां अब मंगल है ठीक है ना, मंगल जहां बैठा है कहीं ना, अब केतु जहां पर बैठा हुआ है हम लोगों का, मंगल की राशि भी कहीं पर है ना, अभी उस पर चलेंगे। फ्रेंड एनिमी है ना कहने का मतलब, मेरे पास अभी हाँ अभी समझ आ कोई रही है। फ्रेंड एनिमी पर नहीं आई, कहने का मतलब बच्चों को पहले एक चीज दे दे, फिर नेक्स्ट में इनको वो टॉपिक पकड़ाएंगे, ताकि ये पजल ना हो जाए एक साथ में ना, इसलिए मैं एक एक जरूर कर कर चलूंगी, ताकि बच्चों को एक एक कर कर चीज देते चले, ठीक जरूर मैम, जरूर। है। क्योंकि हमें तो हम लोग तो पक्का कैरी कर लेंगे, बच्चों को हाँ थोड़ा सा अभी नया है ना, तो थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए चल नेक्स्ट कोई चार्ट बोलो। कोई भी कुंडली बोलो, भावना आप बोल दो या हरदीन आप बोल दो। मैं बोलूं बोलो बोलो, तो, मैं बोलूं तो मैम, रुक जाओ सेकंड बच्चे, एक बार बच्चों को आ जाए ना बोलने की भी, नंबर, कहाँ हाउस में कहाँ हाउस में, हमें पता है, सेकंड इनके मुंह नंबर। खुलवाना चाह रही हूँ थोड़े से ना, 2 नंबर। ठीक है, ये चीज हमारी। अब पहले मंगल लिखवाओ, नाइन्थ हाउस में मंगल मार्स 9th हाउस में, 9th हाउस में मैम, अब 9th हाउस कैसा हो गया,
नहीं था, उसे कैसा हो गया? ऊंच नीच मत देखना आसिमी में, बच्चों को नहीं पता, बच्चों को नहीं लेकर गई इतनी दूर। नहीं फिर नहीं तो था, ठीक उसे नहीं कैसा हो हुई, गया? खराब फिर तो खराब हो गया। हो गया। लेकिन यही इसकी मंगल खराब हो गया ना, नौवां घर खराब हो गया, मतलब क्या हो गया? हमने बोला पितृ कृपा आने में दिक्कत होगी, अच्छा नाइन्थ हाउस पितृ कृपा। भाई जिस व्यक्ति का नाइन्थ हाउस बिगड़ जाता है, पितरों की कृपा मिलने में दिक्कत होती है, ठीक है ना, हम लोगों की दिक्कत होगी पितृ कृपा में। लेकिन इस मंगल ने किसी घर को अच्छा रखा है या सारे ही घर खराब किए हैं? मंगल के एस्पेक्ट कौन कौन से? फोर्थ ट्वेल्थ को अव्यय, अच्छा कर सात, दिया। एक मिनट, सात और एक आठ, कौन से घर को मंगल ने अच्छा कर दिया? थर्ड थर्ड ट्वेल्थ ध्यान से बहुत ध्यान से प्रिडिक्शन दो। ट्वेल्थ ट्वेल्थ हाउस को ट्वेल्थ अच्छा हाउस को अच्छा कर दिया। हाँ, उसको अच्छा कर दिया। इन्वेस्टमेंट कर लेगा ये व्यक्ति? जी कर लेगा। फौरन चला जाएगा? जी चला जाएगा। हायर लर्निंग में दिक्कत आएगी? जी आएगी, ये मेरी हायर लर्निंग भी है। नाइन्थ हाउस मेरी हायर लर्निंग भी होती है, नाइन्थ हाउस मेरे पितरों का भी होता है, मेरी हायर लर्निंग का भी होता है। नाइन्थ हाउस तो खराब हो गया, लेकिन ट्वेल्थ हाउस अच्छा हो गया। कहने का मतलब व्यक्ति कम पढ़ा लिखा भी है ना, इन्वेस्टमेंट कर जाएगा पैसा, मतलब इन्वेस्टमेंट कर जोड़ जाएगा, ठीक ट्वेल्थ हाउस में मून भी है, वो एक शुभ ग्रह हो गया हमारे लिए, बेनिफिक प्लेनेट हो गया ट्वेल्थ में मून। अब सैटर्न लिखवाओ इसी चार्ट में मेरा, सैटर्न सेकेंड हाउस में, थर्ड सेकंड हाउस में। हाउस में, थर्ड हाउस में, सॉरी। क्या इसे छोटे भाई बहनों का साथ मिलेगा? पड़ोसियों के साथ में इसके संबंध कैसे रहेंगे? क्योंकि सडन थर्ड है, थर्ड ऊपर, पड़ोसियों के साथ में कैसा रहेगा ये, अच्छा या खराब? खराब अच्छा खराब नहीं रहेगा। मोबाइल लेने में, लैपटॉप वगैरह लेने में, डॉक्यूमेंटेशन में क्या इसे दिक्कत आएगी? जी आएगा। आएगी, क्योंकि इसी घर की बात कर रहे हैं हम लोग। अब शनि की जो दृष्टि होती है, वो दृष्टि होती है तीसरी, सातवीं, दसवीं, शनि की एक दो तीन, एक तीसरी दृष्टि यहां पर आई पांचवें घर पर, सातवीं दृष्टि यहां पर आई, आपकी दसवीं दृष्टि कहां पर आई? सात आठ नौ दस पर। तो कौन सा घर सैटर्न के विद रिस्पेक्ट अच्छा हो गया? नाइन्थ क्योंकि शनि ने अपने घर को देख लिया, अपनी राशि को देख लिया, लेकिन पांचवें घर को खराब कर दिया, यहाँ को खराब कर दिया। लेकिन यहाँ पर एक ने बचाया, वो कौन था? मंगल। मंगल ने बचाया, शनि ने नाइन्थ को बचाया, ये चीज। ठीक है, आज के लिए इतनी ही प्रैक्टिस करते हैं। आप लोग थोड़ा सा बेटा प्रैक्टिस करना और ग्रुप पर भेजो, थोड़ा सा अभी यहाँ पर स्लो चलेंगे, जहां पर पकड़ मजबूत हो गई फिर थोड़ा सा खींच दूंगी, एक बार बेस बन जाएगा ना फिर तो मैं खींच दूंगी आप लोगों को। मतलब हमें ये देखना, हमने मैलिफिक को हाँ, देखना, अगर हम बस मैलिफिक प्लैनेट्स को देखें, अपने कुंडली के मैलिफिक प्लैनेट्स सारे देख लो। बस। और मैलिफिक में भी स्पेशली कौन से? राहु शनि मंगल। केतु। आपका कौन कौन सा घर खराब हो रहा है इनकी वजह से, और कौन कौन सा घर अच्छा हो रहा है मून की वजह से, और इनके स्पेशल एस्पेक्ट की वजह से। जी 3 7 10 4 7 8, इनकी वजह से। अब आप लोग चार्ट पर प्रैक्टिस करोगे, कल मुझे चार्ट लगवाओगे, उसके बाद मैं थोड़ा आगे निकलूंगी, ठीक है? मैं कल, इसीलिए भाई आज प्रैक्टिस हो गई, उस दिन प्रैक्टिस नहीं हो पा रही थी सिमी मैम नेटवर्क की वजह से, जी मैम, आज प्रैक्टिस हो गई, ठीक है ना? ठीक है बेटा, आज आप लोग प्रैक्टिस करना, कल मिलते हैं बाकी का 9 बजे, ठीक है बेटा? इस पर करना भावना, जहां पर भी अटको कोई शर्माना नहीं, कोई हिचकना नहीं है, ऐसा नहीं है कि सब सीख, कोई सीख कर पैदा नहीं होता, सबको यहीं पर ही आके आता, बार बार पूछना, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है बेटा? नहीं कल अच्छा मिलते कर हैं, रही है, अच्छा कर रही है ये भी। कर रहे हैं, बच्चों ने खींच लिया, हाँ ले लिया है बच्चों ने। अच्छा लेकिन कर फिर भी अभी हाउस पता नहीं है ना, थोड़ी जानकारी नहीं है, तो फिर भी वो कुछ नहीं आ जाएगी, कोई इतनी कठिन नहीं है, ठीक है? कल मिलते हैं बेटा फिर 9 बजे, ठीक है? ठीक, थैंक यू। हाँ जी। थैंक यू।